हेलो एवरीवन, मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। मेरे पास ये नीम का जो पौधा है, ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं जब इसको लेकर आई थी तो ये सिर्फ 5 इंच का था, अब ये कम से कम 2-2.5 फीट का हो गया है। और इसका जो छोटा सा प्लांटर है वो इसके लिए सफिशेंट नहीं है। और यहाँ आप एक बड़ा प्लांटर देख सकते हैं जिसका पौधा गर्मी में सूख गया है। तो मैं इस छोटे से प्लांटर से इसको बड़े प्लांटर में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ और इसकी मिट्टी चेंज करूंगी। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना करें। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। जब भी आपका कोई प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको हमेशा उस प्लांट को एक बड़ा प्लांटर प्रोवाइड करना होता है। और ये देखिए, ये जो प्लांटर मेरा पहले था, इसका रूट बॉन्ड हो रखा है। इसकी कितनी बड़े बड़े जड़ें गमलों के कोने पर लिपट गई हैं। सबसे पहले मैं इसकी पुरानी मिट्टी को सारी को क्लीन कर लूँगी, सारी जड़ें हटा दूँगी, सूरज की रोशनी में कुछ देर रखूँगी, कम से कम 2-3 घंटे, ताकि मिट्टी सोरलाइज हो जाए और अच्छे से इसके जो बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाए। एक नई मिट्टी तैयार हो जाएगी, उसमें अच्छे से कंपोस्टिंग वगैरह डालकर हम तैयार करेंगे। और चलिए नीम के पौधे को लगाते हैं। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से गमले को साफ़ कर लिया है, कंपोस्ट वगैरह भी मिला लिया है। मैं इस बार लेयरिंग कर रही हूँ, एक लेयर मिट्टी की, एक लेयर कंपोस्ट की। और ये नीम का पौधा है जिसको मैं लगाने वाली हूँ। इसका रूट बॉन्ड खुल गया था, जो रूट था उसका, जो मिट्टी जो लगी थी वो खुल गई थी, तो मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ। और मैं इसको लगाने के बाद कुछ टाइम तक, 10 दिन तक, क्योंकि एक बड़ा प्लांट है, कहीं इसको एनवायरनमेंट शॉक ना लग जाए, तो मैं इसको छाया में ही रखूँगी। 10 दिन के बाद मैं इसको बाहर निकालूँगी, क्योंकि सूरज बहुत गर्म है, बारिश का बिल्कुल नाम नहीं है। तो इस तरह से इस मौसम में तेज़ धूप लगने पर, क्योंकि इसकी रूट बेयर हो गई थी तो वो दिखने लग गई थी, तो इसलिए मुझे ध्यान से इस पौधे को लगाना होगा, उसके बाद ध्यान से रखना होगा। अब मैं प्लांटर फिल कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको वॉटरिंग करूंगी। और साथ ही मैं आज अपने सारे प्लांटर्स में भी कंपोस्टिंग करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने अपने प्लांटर्स में कंपोस्ट नहीं किया है। तो यही वाली जो जैविक खाद है, जो ऑर्गेनिक खाद है, जो बनी हुई है, वर्मी कंपोस्ट कह सकते हैं इसको, तो ये बहुत अच्छी होती है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता। तो मैं आज सारे प्लांट्स में यही डालूंगी। ऊपर के जो प्लांटर्स हैं, जो टेरेस गार्डन के हैं, वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी डाल दी है। और मैं यहाँ पर एक मेजरमेंट के लिए ये ले रही हूँ, ये हैंडफुल अच्छे से आ जाता है इसमें और गिरता भी नहीं है। सबसे पहले मैं सारे प्लांटर्स में खाद डालूंगी, और उसके बाद जो खाद डलेगी वो हम ध्यान रखेंगे कि हमारे प्लांटर का क्या साइज़ है, हमारे पौधे का क्या साइज़ है। तो बड़े प्लांटर में ज़्यादा ये 2 बार खाद डाल देते हैं और छोटे में सिर्फ 1 बार ही काफ़ी है। तो पहले तो मैं सारे प्लांटर्स में खाद डाल लेती हूँ, और उसके बाद जब सारी में एक बार खाद डाल जाएगी तो मैं उसको हल्का हल्का मिट्टी की गुड़ाई कर दूँगी, ताकि मिट्टी में कंपोस्ट मिल जाए अच्छे से। और उसके बाद जब गुड़ाई कर देते हैं तो उसके 2 घंटे बाद में उसमें वॉटरिंग करूँगी। इससे बहुत ही अच्छे से कंपोस्ट अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, मिट्टी में मिल जाती है और धीरे धीरे पानी के साथ तक प्लांट की जड़ों में पहुंच जाती है। तो सबसे पहले मैं करूंगी, यहाँ पर कंपोस्टिंग डाल रही हूँ, और उसके बाद इसमें गुड़ाई कर दूंगी। और गुड़ाई करने से जो एरेशन बनता है वो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस पर मेरी डिटेल वीडियो भी आ चुकी है, आप जाके उसको सर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी कंपोस्टिंग डालने के बाद मैं वॉटरिंग करूँगी, वो दो या तीन घंटे के बाद करूँगी।
मयूरन है तू हमार। तो इस तरह से मैंने जो तो अच्छे से इस कंपोस्टिंग करने के बाद गुड़ाई भी सारे प्लांट्स की कर ली है। कंपोस्टिंग करने से पहले भी आप गुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन गुड़ाई आपको ज़रूर करनी है ताकि कंपोस्ट मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।